मॉर्निंग क्लास इज कल 3D में आप एक देख रहे थे किस प्रकार से हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था। अब आज हम नंबर को प्लस करें जिससे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चीज वही है, तरीका अलग है, ठीक है। लास्ट मूवमेंट में है आप जैसे 7 and 8 है, 7 and 8 का 8 बना लिया, 7 आ गया। अब हमारे पास 2, अगर 3 लिखते तो 9 हो जाता, 4, हमारे पास 3 0 8 बना लिया, प्लस कर दिया 4 हो गया। अब 4 7 20 8, 7 बार करके देखते हैं, यहाँ पर देखो 7 7 49, 10 4 7 28 आ गया ना। तो ऐसे नंबरों को आप ध्यान में रखना है जो कि कट जाए, तो अपना पीछे रद्द कर सकते हैं, यहाँ पर 6 जा 8 का। अब 6 6 जा 36, 10 4 24, 24 में 3 जोड़ा 27। अब 8 में 6 6 के 8, अब यहाँ पर 9 हमारा कैरी लिया नहीं, 10 10 माइनस 3। अब तुम देख रहे हो कि हमारे पास रिमेनिंग 32 आई। कल हमने यहाँ पर किया था जब सब्ट्रैक्ट था तो 32 को माइनस करना था, आज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तो आज हमें इसमें एडिट करना है, जोड़ना है, तो नया नंबर लेके आएंगे। तो आप इसके लिए एक चीज याद करो, जैसे 26 का आपके पास स्क्वायर होगा तो इस 7 and 8 से कम रहा तो हम ये साइन लगा देंगे और 7 and 8 को बढ़ा कर देंगे। अब ये आपको मालूम है 26 के बाद कितना आता है, 27। जो 27 का स्क्वायर जो नंबर होगा वो ही आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब आप देख सकते हैं अगर 27 का आपको नहीं आता है तो 27 का मल्टीप्लाई 27 में कर सकते हैं। 7 7 जा 49, कैरी ऑन 4 7 2 जा 14 18, अब 2 7 जा 14, कैरी ऑन 1 2 जा 4 15 9 12 7 729। तो अब हमारे पास 26 का स्क्वायर 708 और 729। अब तुम देखो तीनों में 26 का स्क्वायर छोटा है 7 and 8 से और 7 and 8 छोटा है 27 के स्क्वायर मतलब 729 से। तो हम 729 में से 708 को माइनस कर देते हैं। अब जब माइनस किया तो हमारे पास 9 में से किया अब 21, तो नया नंबर 21 आया। 21 नंबर इसमें 708 में जोड़ देते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे एडिट वायर नंबर 21, 21 इस नंबर में प्लस करके हम देख सकते हैं। अब हमारे पास आगे आता है प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, तो आपके बच्चे तो आप इसी तरह से कर लेना। प्रॉब्लम में क्या है, 4,225 सोल्जर्स आर अरेंज इन डिफरेंट रोल। हमारे पास 4,225 सैनिक हैं, इनको अलग अलग लाइनों में खड़ा करना है। देयर आर एज मेनी रॉ, जितनी लाइनें बनाए उतने ही सोल्जर उस लाइन में खड़े हो। वो कह रहा देयर आर एज मेनी रॉ एज द नंबर ऑफ सोल्जर इन रॉ फाइंड द नंबर ऑफ रॉ। तो मीन्स जितनी लाइनें उतने सोल्जर, और प्रत्येक लाइन में जितने ही सोल्जर होते हैं, तो
दोनों तरफ से आपका क्वेश्चन खुल गया, लेकिन इतना याद रहे कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो आप अपने में जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास क्या चीज किए गए, टोटल शून्य। तो उसमें देखना
क्यूब रूट किसे कहते हैं। अभी तक तो हमने उन्हें स्क्वायर रूट पढ़ा था, अब क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो क्यूब रूट की पहचान होती है कि नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। स्क्वायर रूट में तो हम दो बार करते थे, कैसे देखो, ये भी आप शुरू कर दें तुम्हारे मन तीन की है इसका तीन है। पहले क्वेश्चन दिया है उसने फाइंड द क्यूब, क्यूब निकाल ली, ठीक है ना, वन क्वेश्चन टू आए। अब क्यूब ऑफ ट्वेल्व, तो ये ट्वेल्व के ऊपर हम थ्री का निशान लगा देते हैं, जैसे स्क्वायर पर लगा देंगे, तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपको नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, फिर 4 जोड़ दिए तो हमारे 2 आ गया, 3 × 12 = 5, ये आपका क्यूब रूट आ गया 12। ऐसे ही 15 का हुआ, 30 का हुआ, 200 का हुआ। अब एक वाला देखो, -3/7, तो आप क्या करेंगे, 3 लगा दिया, तो -3 अब ये चीज हो गई, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। अब 27 जो आ गया वो माइनस का ही रह गया, ठीक है ना, ये माइनस का रहा, 7 × 7 = 49 और 49 × 3 = 3, ये आपके पास आ जाएगा क्यूब बनाने। अब तो कहता है कि जैसे सर डेसिमल वाले हैं कोई बात नहीं, जैसे देखो आज वाला हम दिखा रहे हैं आपको 0.02 का है, तो हम किसका भी बना सकते हैं, कैसे देखो, ठीक है। अब टू पूछा फोर, फोर पूछा तीन, थ्री दिया ना। अब इसके डेसिमल देखो, 2, 4, 6, जी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इसके बन जाए। अब उसने क्वेश्चन क्या है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बताना है, परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। अभी तक तो हमने क्यूब्स बनाया था, अब परफेक्ट क्यूब बनाने में एक चीज याद रखना, जैसे कि 7 का देखते हैं, 7 × 21 = 7 और 2 × 27 नहीं जगह, ऐसे ही 11 में देखते हैं तो 2 × 9 = 11 और 12 = 7, तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे और कदम आप उसको आगे बढ़ा।